नमस्कार, मैं अरुण शर्मा, विज्ञान निधि मौसम विज्ञान केंद्र से भोपाल के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मौसम के प्रदेश में जानकारी हासिल करते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान वेस्ट एमपी में 40.1 डिग्री टेम्परेचर ग्वालियर में रहा और ईस्ट एमपी में सबसे अधिक तापमान प्रतिपुर में 43.5 डिग्री रहा। रेन फॉल की बात की जाए तो वेस्ट एमपी में जो है वो फेयरली वाइड स्प्रेड रेन को दर्ज किया गया है और दो जगहों पर जो है वो वेरी हैवी रेनफॉल, ग्वालियर में 129.2 mm और भिंड में 122.0 mm रेनफॉल को दर्ज किया गया है। साथ ही वेस्ट एमपी से चार जिलों के अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल को दर्ज किया गया है, उनका नाम है भिंड, मुरैना, शिवपुरी और उदिशा। ईस्ट एमपी से जो है वो स्कैटर्ड रेनफॉल को दर्ज किया गया है और सबसे अधिक रेनफॉल जबलपुर में 70.8 mm रेनफॉल को दर्ज किया गया है और सिद्धि में 68.0 mm रेनफॉल को दर्ज किया गया है। इस तरह से दो प्रदेशों से जो है वो हैवी रेनफॉल को दर्ज ईस्ट एमपी जिले में किया गया है। मानसून की बात करेंगे तो मानसून ने जो आज जो बाकी के हमारे जो चंबल के जो क्षेत्र रह गए थे, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया को जो है आज वो पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो इसके साथ ही वेस्ट एमपी जो है वो पूरी तरह से इस टाइम जो है वो मानसून को कवर रेंज में आ गया है। सिनॉप्टिक सिचुएशन की बात करिए तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के ऊपर 1.5 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है। सेंट्रल गुजरात के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 0.9 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ है जिसका कि एक्सटेंड 4.85 किलोमीटर का और मीन सी लेवल तक बना हुआ है और इससे एक ट्रफ मध्य प्रदेश के भागों से गुजरता हुआ बिहार की ओर जो है वो अग्रसर है। इसी तरह से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो एक नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एंड एडजॉइनिंग वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर बना हुआ है जिसका भी एक्सटेंड 5.8 किलोमीटर के ऊपर है। इन सबके होते हुए कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे जो पश्चिमी के जो मध्य प्रदेश के जो भाग हैं इनके ऊपर से है वो इस टाइम काफ़ी क्लाउडिंग, थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल का होने की जो है सामने उम्मीद है और आगे आने वाले दिनों के बारे में जो है हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो आज के मौसम के बारे में, आज की वर्षा अनुमान के बारे में देखा जाए तो अनेक स्थानों पर जैसे मंदसौर, अग्रवाल और धार के अंदर जो है वो अनेक स्थानों पर जो है वो रेनफॉल होने की उम्मीद है। बाकी जिलों के अंदर जो है जो साउदर्न पार्ट है उसके अंदर कुछ स्थानों के अंदर जो है वो वर्षा होने की उम्मीद है। हैवी रेनफॉल जो है वो मंदसौर, अगरमालवा जैसे जिलों के अंदर जो है आज होने की उम्मीद है और हैवी रेनफॉल जो है वो नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर और धार जैसे जिलों के अंदर हैवी रेनफॉल को आज दर्ज होने की उम्मीद है। साथ ही थंडरस्टॉर्म लाइटिंग और गस्ती विंड जो है वो 30-40 किलोमीटर प्रदेश के अनेक जिलों में चलने की आज संभावना है। 28 तारीख के मौसम में बात करेंगे तो रेनफॉल की जो गतिविधि है वो मेनली नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर और एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर जो है वो रहेगी, जैसे कि आप शिवपुरी, दतिया, छतरपुर में अनेक स्थानों में और दमोहा, अशोकनगर, सागर के अंदर जो है वो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस के ऊपर जो है वो वर्षा कल होने की आशंका जताई बनी हुई है। हैवी रेनफॉल जो है वो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा जैसे और सागर जैसे जिलों के अंदर कल होने की उम्मीद बनी हुई है। 29 तारीख की बात करेंगे तो वर्षा जो है सबसे अधिक जो अनुपात जो है वो एक्सट्रीम नॉर्दर्न जो हमारे जिले हैं जैसे कि भिंड, मुरैना, सतना, रीवा, मकाऊगन, सिंगरौली जैसे जिलों के अंदर अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज होने की जो है वो उम्मीद है। साथ ही हैवी रेनफॉल जो है वो मुरैना, सतना, रीवा, मकाऊगन जैसे जिलों में होने की उम्मीद जो है वो 29 तारीख को बनी रहेगी। 30 तारीख को भी वर्षा के अनुपात जो है आप देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न जो हमारे जो पार्ट्स हैं जैसे कि भिंड, मुरैना, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर के अंदर जो है वो अनेक स्थानों में और ग्वालियर, दतिया और शिवपुर में अधिकांश स्थानों पर जो है वो रेनफॉल को दर्ज होने की उम्मीद है। साथ ही थंडरस्टॉर्म लाइटिंग और गस्ती विंड भी 30-40 किलोमीटर इन जिलों में होने की और हैवी रेनफॉल जो है वो ग्वालियर, मुरैना, दतिया, शिवपुरी जैसे जिलों के अंदर जो है वो 30 तारीख को होने की संभावना बनी रहेगी। 1 तारीख को भी जो वर्षा का अनुपात है आप देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स हैं शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया के अंदर जो है वो मोस्ट प्लेसेस के ऊपर होने की संभावना है और साथ ही हैवी रेनफॉल भी जो है वो मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना जैसे प्रदेशों के अंदर हैवी रेनफॉल जो है वो 1 तारीख को होगी और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्ती विंड भी 30-40 किलोमीटर जो है वो होने जिलों में होने की संभावना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो वर्षा का अनुपात जो है वो कम और बढ़ता जो है वो चलता ही रहेगा, साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्ती विंड की संभावना भी प्रदेश के ऊपर बनी रहेगी। लोगों से अनुरोध है कि हैवी रेनफॉल के अंदर आप अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।